तो आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय। तो आज के बात करने बोले यहाँ पे नई वैकेंसीज के बारे में। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे एसएससी की तरफ से जो आपकी नई वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। लगभग मैं आपको बता दूं यहाँ पे 17,000 प्लस जो नई वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी की नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है और 24 जून से आपके फॉर्म लगना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और 24 जुलाई जो आपकी लास्ट डेट है वो यहाँ पे इसमें रहेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जे जो वैकेंसीज आपकी एसएससी सीजीएल की यहाँ पे है, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। आगे की तरफ आपको लेके चलते, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे 24 जून से आपके फॉर्म शुरू है, 24 जुलाई आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे इसमें रहेगी। एप्लीकेशन फी की बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए आपकी फी रहेगी, एससी एसटी के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें फी नहीं रहेगी। मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पे इसमें अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। एज आपकी 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच यहाँ पे रखी गई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज आपकी जो है 17,727 आपकी यहां पे वैकेंसीज दी गई हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहां पे क्या रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है, यानी कि अगर आपने 10th और 12th की है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तब भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सीजीएल का जो मतलब है वो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तब भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जे सीजीएल की वैकेंसी आपकी निकल के आ चुकी है, 17,727 आपकी जो वैकेंसी है पूरे भारत के युवाओं के लिए वो यहाँ पे निकाली गई है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।